यार आजकल सब लोग ना चॉकलेट पॉट्स बहुत बना रहे हैं, हम भी बनाए क्या? अब यार सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुई, मेरे पास ना फ्लावर शेप का मोल्ड नहीं था, मम्मी को अमेजोन से मंगवाना पड़ा। अच्छा चलो इसकी ना अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अब पता है मैं क्या करूंगी, पिंक कलर की चॉकलेट को ना इस मोल्ड में डाल के फ्रीज कर दूंगी, फिर हम लेंगे ये पेपर वाले ग्लास और इनको भी चॉकलेट से कोट करके फ्रीज में रख देंगे, और फिर केयरफुली इनको निकाल लो। यार इनको निकाल देना, बड़ा डर सा लग रहा था, टूट ना जाए टूट ना। अब इसमें अंदर फिल करने के लिए मैं एक चॉकलेट पेस्ट्री फिल कर रही हूँ, आप चॉकलेट केक या फिर कुछ भी आपके पास जो हो अच्छा सा ब्राउनी वगैरह वो भी फिल कर सकते हो। प्रॉब्लम अब शुरू हुई मेरे पास ना ऊपर से ऐसा क्रम लगाने के लिए चॉकलेट केक नहीं था, मेरे पास मिक्स फ्रूट वाला केक था, मैंने वही लगा दिया, पर मेरे को लग रहा था यार एक कांड हो रहा है। मेरे को फिर बाद में ध्यान आया मेरे पास चॉको पाई रखी हुई, मैंने कहा उसको क्रश करके डाल देती हूँ, पर थोड़ा सा लुक तो खराब हो ही गया। फिर ना मैंने फ्लावर निकाल लिए मोल्ड में से और उनको भी लगा दिया। चलो टेस्टी कर लेते हैं। यार ये बहुत